आज हम बनाएंगे बिल्कुल परफेक्ट ढोकला, बिना सिट्रिक एसिड और बिना इनो के। और हमारा ढोकला इतना स्पंजी बनेगा। ये रेसिपी बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको वीडियो लास्ट तक देखना होगा। इसे बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन का लिया है। ये 240 ml का कप होता है। अगर आपके घर में ऐसा स्टील वाला गिलास है तो देखो इतना लेना है, इससे थोड़ा कम। सबसे पहले हम बेसन को अच्छे से छान लेंगे, जिससे उसमें कोई लंप नहीं बनेगी और हमारा ढोकला अच्छा फ्लफी बनेगा। बेसन को मैंने अच्छे से छान लिया है। अब इसमें 1 बड़ा चम्मच पीसी हुई चीनी का डालूंगा, ये 1 टेबल स्पून होता है। इसमें ये वाले 2 चम्मच आ जाएंगे। अब इसमें स्टार्टिंग में 1/2 कप पानी का डालेंगे। पानी धीरे धीरे करके डालना है, जिससे हमारा बैटर एकदम स्मूथ बने और उसमें गुठलियाँ ना बने। अब इसमें 2 बड़े चम्मच नींबू का जूस डालना है। ये लगभग 1.5 मीडियम साइज नींबू का जूस है। अब इसको मिक्स करें। अब इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का डालेंगे, ये नॉर्मल 2 चम्मच के बराबर होता है। ऑयल डालने से ढोकले में थोड़ा मॉइस्चर आएगा, नहीं तो ये बड़ा सूखा सूखा होता है और गले में चिपकता है। अभी भी ये गाढ़ा है, अभी इसमें थोड़ा सा और पानी डालेंगे। इसमें लगभग 1 कप बेसन में 1.25 कप से थोड़ा सा कम पानी यूज होता है। आपके ढोकले की कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। ये लास्ट का बैटर रुक रुक के टपके। अब इसमें डालनी है बिल्कुल थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बिल्कुल थोड़ी सी डालनी है, क्योंकि कई बार हल्दी बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करती है और ढोकला थोड़ा पिंक पिंक हो जाता है। अब यहाँ पे डालना है 1/2 छोटा चम्मच नमक। यहाँ पे हम नमक कम ही डालेंगे, नहीं तो ढोकला हमारा स्पंजी नहीं बनेगा। बाकी नमक हम तड़के में डाल लेंगे। अब यहाँ पे शुरू होता है मेहनत वाला काम। अब हमें इसे अच्छे से फेंटना है। आप थोड़ा ब्रेक ले लेके इसे फेंट सकते हैं। अगर आपके पास इस तरह का इलेक्ट्रिक ब्लेंडर हो तो इससे फेंटे, या आप मिक्सी के बड़े वाले जार में इसको 2-3 मिनट के लिए फेंट ले। आपको ऐसे मैनुअली फेंटने में 10 मिनट लग जाएंगे। आप थोड़ा ब्रेक ले लेके भी फेंट सकते हैं। इसको एक ही डायरेक्शन में हमें फेंटना है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक ब्लेंडर या मिक्सी ना हो तभी हाथ से फेंटे। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। अब इसे ढक के 15 से 20 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं। इतने इसका स्टीमर तैयार कर लेते हैं। इसको स्टीम करने के लिए मैंने कुकर में पानी डाल दिया है, और इस तरह का स्टैंड लेना है आपने। अगर आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो आप कटोरी भी ले सकते हैं। इसको कुकर में डाल देना है और इसको ढक देते हैं गर्म होने के लिए, और आपने कुकर की सीटी भी हटा लेनी है। अब आपको जिस बाउल में ढोकला बनाना है उसे ऑयल लगा के अच्छे से ग्रीस कर लें, जिससे हमारे ढोकला बनने के बाद इजीली निकल जाए। बीस मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर बिल्कुल रेडी है और हमारा स्टीमर भी बिल्कुल रेडी है। अब इसमें 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। इसको मीठा सोडा या सोडा बाई कार्बोनेट भी कहते हैं। ये घर वाले 1/3 स्पून के बराबर है। अब इसको कड़छी से आराम आराम से ही मिक्स करना है। धीरे धीरे ये फ्लफी होता जाएगा और इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हमारा ढोकला बैटर बिल्कुल फ्लफी हो चुका है। अब हमें फटाफट अपने कंटेनर में डाल देंगे।
यहाँ पे आपको थोड़ी जल्दी करनी है, नहीं तो हमारा ढोकला फ्लफी नहीं बनेगा। अब हम इसे कुकर में स्टीम होने के लिए डाल देंगे। जब भी हम इसको स्टीम होने के लिए डालें, पानी उबलता होना चाहिए। ये मीडियम फ्लेम पे 20 मिनट में पक जाता है। 20 मिनट हो चुके हैं, अब इसमें नाइफ डाल के चेक कर लेते हैं। हमारा नाइफ बिल्कुल साफ आया है, इसका मतलब ये अंदर से बिल्कुल पक चुका है। अब गैस बंद कर दें और ऐसे ही इसको 3-4 मिनट के लिए छोड़ दें। 4 मिनट बाद अब मैं इसको निकाल लेता हूँ। इतने ये ठंडा होता है, इतने हम अपने ढोकले का तड़का बना लेंगे। तड़का बनाने के लिए पैन में हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा, इसमें सरसों और कड़ी पत्ते डालेंगे। अब इसमें 1 गिलास भर के पानी का डालेंगे। अब इसमें कटी हुई हरी मिर्चें, 4-5 छोटे चम्मच चीनी के और स्वाद अनुसार नमक डाल लेंगे। और इसको थोड़ा सा उबाल लेंगे। और लास्ट में हम फ्लेम बंद करके इसमें आधा नींबू डाल देंगे। हमारा ढोकला ठंडा हो चुका है, अब इसके चारों तरफ चाकू घुमा लेते हैं। जब भी आपका ढोकला सही बनेगा, ये आराम से निकल जाता है। अब मैं इसको फटाफट काट लेता हूँ, आप भी अपनी मनपसंद शेप में इसे काट लें। आप देख सकते हैं हमारा ढोकला कितना स्पंजी बना है। अब हमारा ढोकला और तड़का दोनों ठंडे हो चुके हैं। मैंने तड़के में थोड़ा कटा हुआ धनिया पत्ता भी डाल दिया है, अगर आपको पसंद हो तो ही डालें। अब ढोकले के हर पीस पे अच्छी तरह तड़का डाल लेंगे। आप ढोकले के ऊपर तड़का डाल के इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दें, जिससे उसके अंदर तक फ्लेवर चला जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।